जैद भाई, एक मेरा सवाल ये था कि जो लेडीज होते हैं उनका मंथली पीरियड होता है, तो जो हज के दौरान क्या ये लोग मेडिसिन्स वगैरह यूज कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, ताकि इनकी इबादत पूरी हो जाए और फिर जब सारे अरकान पूरे हो जाए, जब वापस हो जाए तब ये मेडिसिन रोक दें? क्या इस तरह जायज है? इस सिलसिले में उलमा का रवैया है कि ला माने, यानी कोई हर्ज की बात नहीं है कि ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। और अलबत्ता इसमें यह है कि कोई जिस्मानी नुकसान उससे ना हो तक, यानी कोई उसका साइड इफेक्ट अगर नहीं है, कोई जिस्मानी नुकसान नहीं है, तो पीरियड में ऐसी दवाओं के इस्तेमाल में कुछ हर्ज की बात नहीं है, एक बात। और दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि इतने अमाल कर सकती हो नहीं कर सकती हो, ऐसा ये भी करेगी, वो तबई चीज है, कुदरती चीज है, उसके साथ वो वारिद हो गई, उसके साथ वो चीज आ गई, तो जाहिर सी बात है औरत ने खुद से तो किया नहीं है। जब खुद से किया नहीं है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो यानी इस सिलसिले में इतना ज्यादा होपलेस होने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं दवा खाना ही है, जायज है बस, लेकिन आप ना खाएं कोई मसला नहीं है, आपका हज माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका हज नहीं माना जाएगा कुछ आमाल छूट जाने की वजह से, इंशाल्लाह। बाकी शेख किफायत वजाहत कर सकते हैं, इंशाल्लाह। इसके अंदर एक ये भी देख सकते हैं कि किसी हालत में बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर मान लीजिए कि किसी औरत को पीरियड्स आ जाएं और आप जानते हैं कि हज के दिन चल रहे हों और तवाफ़ इफादा करना लाजिम है, हज मुकम्मल नहीं होता जब तक तवाफ़ इफादा ना हो, हज के अरकान में से है। तो अब सोच लीजिए उस पीरियड में, उस वक्त पर उसे पीरियड आ गया और यहाँ पे पीरियड ख़त्म हुआ हज के दिनों के बाद, और वहाँ पे फ्लाइट है, और तवाफ़ इफादा किए बगैर ही अगर चली जाएं, अगर तवाफ़ इफादा किए बगैर ही चली जाएं, देखो तवाफ़ विदा किए बगैर चली गई तो फिर भी गुंजाइश है, तवाफ़ इफादा तो करना ज़रूरी है। तो यहाँ तक कि जो एहराम जो उतरता है, एहराम जो उतारते हैं, तो एहराम उतारने के बाद सारी पाबंदियाँ एहराम की ख़त्म हो जाती है, सिर्फ एक पाबंदी बाकी रहती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात नहीं जायज़ होते हैं जब तक तवाफ़ इफादा ना कर लें। तो ऐसे भी केसेस सुने जाते हैं कि कोई बहन तवाफ़ इफादा किए बगैर ही वहां से आ गई। तो यानी ऐसी सिचुएशन जब हो, कैलकुलेशन वैसा आ रहा है, और ख़ास तौर से फ्लाइट अगर हज के दिनों के फौरन बाद में है फ्लाइट, और बस 2-3 दिन बाद फ्लाइट है, और ऐसा होगा कि चांस है अगर वो टाइम पे पीरियड आ गया, तो फिर पहले से प्लानिंग करके, आज के ज़माने में जहाँ फ्लाइट्स का टाइट शेड्यूल आ गया, तो वहाँ पे ऐसे मेथड्स भी आ गए जिसके जरिए ऐसी सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाह खैर, वस्सलाम अलैकुम।